दोस्तों नमस्कार। मेष राशि के साथ में अगर विवाह हो जाता है कन्या राशि का तो ये जोड़ी कैसी रहने वाली है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और ये भी जानेंगे कि मैरिड लाइफ से अलग लव लाइफ भी मेष राशि के साथ में कन्या राशि की कैसी रहती है, यानी कि मेष राशि का लड़का या लड़की है या कन्या राशि की लड़का या लड़की है, तो कैसी होगी उनकी ज़िंदगी में, क्या रहेगा और कैसी बनेगी उनकी आपस में, ये जानेंगे इनकी जोड़ियों को मिलाकर के। उससे पहले आपको याद दिला दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो का आप आनंद ले सकें, और निश्चित आपको जो जानकारी यहाँ पर मिलेगी वो दूसरे किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। और ये जानकारी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सत्यता के आधार पर जानकारी मिलती है। आप लोगों के फीडबैक जरूर लेना हम यहाँ पर उचित समझते हैं, आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए जो बात हम अपनी वीडियो में बोलते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ाते हैं बात को मेष राशि। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह बनता है जो कि ऊर्जा का कारक है, क्रोध का कारक है, कर्तव्य का कारक है, और वही दूसरी जो राशि है कन्या उसके स्वामी बनते हैं बुध देव। कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं और बुध यानी कि युवराज। अब युवराज और सेनापति, क्योंकि मंगल को सेनापति का कारक माना गया है, अब मेष राशि का यानी कि सेनापति व्यक्ति युवराज के साथ शादी कर लेता है। मान के चलिए कन्या राशि की लड़की है और लड़का मेष राशि का है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद या लव लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम आएगी मेष राशि के व्यक्ति को, सबसे बढ़िया आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। मेष राशि के व्यक्ति को किसी की आज्ञा मानना अगर पसंद है तो वो सिंह राशि की, सिंह राशि का व्यक्ति होगा तो उसकी आज्ञा मान लेगा हंसी खुशी, लेकिन कन्या राशि का युवराज अगर सेनापति को आदेश देगा तो ये सेनापति को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा उसे। और मेष राशि के व्यक्ति तो खासकर किसी की आज्ञा मानने से हिचकिचाते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें आदेश दे। सेनापति केवल राजा का आदेश मानता है, अगर युवराज अपनी चलाते हैं जो नैतिक आदेश होगा, जो नियत की बात होगी, जो सही बात होगी, उसे तो मान लेते हैं। अब मान लीजिए कन्या राशि का व्यक्ति छोटी छोटी बात पर रूठ के दिखाए सेनापति के सामने, यानी कि मेष राशि के सामने, तो कन्या राशि की लड़की मान लीजिए रूठ रूठ कर दिखाए छोटी छोटी बातों पर मेष राशि के लड़के से, तो ये पसंद नहीं है उसे, बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो इग्नोर करेगा, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही वो अपने ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ वो कभी खुश नहीं हो सकता है मेष राशि का व्यक्ति। वही अगर लड़का कन्या राशि का हुआ और लड़की मेष राशि की, तो लड़की कभी खुश नहीं हो सकती, यानी कि कन्या राशि से मेष राशि इस प्रकार से तो कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि कन्या राशि में थोड़ा ईगो जरूर रहता है और उसी की वजह से इनके अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है और ये इनकी लाइफ को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। मेरे हिसाब से ज्योतिष के अनुकूल ये बिल्कुल बात जो अनुभव में आई है निश्चित ही सही नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अगर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मेष और कन्या राशि का प्यार सक्सेस नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।